डिजियाना माइनिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, लड़ाका पूर्वा मोहल्ला गंगानगर तिंदवारी रोड बांदा, ये जो है रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ खंड एक में, डिप्टी कमिश्नर खंड एक के कार्यालय में। और जो खनिज विभाग से हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार उन्होंने वर्ष 18-19 में अब तक 9,54,25,900 रॉयल्टी जमा की है, जिस पर कि आरसीएम बेसिस पर उनको 18% की दर से 1,71,76,665 रुपये जीएसटी देना है, उनका देय हो गया है। लेकिन अभी कोई इनकी वियनुषा इकाई द्वारा जो हमारे यहाँ की इन्फोर्समेंट विंग है उसने जांच भी की है और इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और उसके बाद करनिधान अधिकारी द्वारा करनिधान की और वसूली की कार्रवाई की जाएगी। फरवरी 2018 में जीएसटी कमिश्नर कामनी चौहान द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि खनिज संपदा में होने वाली रॉयल्टी पर 18% की दर से जीएसटी जमा कराया जाएगा, 10% की दर से रूरल डेवलपमेंट टैक्स जमा कराया जाएगा एवं 2% की दर से इनकम टैक्स कराया जाएगा। लेकिन खनिज अधिकारी द्वारा कुछ कोई भी धनराशि टैक्स के रूप में जमा नहीं कराई गई है, इसका खुलासा स्वयं उनके द्वारा उनके पत्र से होता है। इस प्रकार पहली क्वार्टर में 44 करोड़ में लगभग 12 करोड़ की टैक्स की चोरी खनिज अधिकारी बांदा द्वारा कराई गई है। कैसे कह सकते हैं कि खनिज अधिकारी कराई गई है? चूंकि खनिज अधिकारी खुद लिख के दे रहा है कि इनके द्वारा कोई जीएसटी जमा नहीं किया गया है, जबकि जीएसटी इनकम टैक्स और रूरल डेवलपमेंट टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी DDO / खनिज अधिकारी की है। ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई बनती है? CGST में एक्ट में प्राविधान 132 में कहा गया है कि 1 करोड़ से अधिक अपवंचन पाए जाने वाले व्यापारियों को सीधे जेल में भेजा जा सकता है। इनके जितने भी ठेकेदार हैं, अधिकांश ठेकेदार प्रदेश के बाहर के या बांदा शहर के बाहर के हैं, इनके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे टेंडर प्राप्त किए गए हैं और ये लोग बलाई खाकर भागने के चक्कर में हैं। ऐसा ही एक स्टेटमेंट जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा कुछ समय पूर्व दिया गया।